शांति, ओम शांति। ओहो, आज तो है प्यारी प्यारी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी का यह पावन पर्व, और ये पावन पर्व हमें किसकी याद दिलाता है? जन्माष्टमी कहने से ही हमारे सामने बहुत सुंदर, मनोहर, मन को मोह लेने वाली आकर्षण चैतन्य मूर्ति ही कहूँ, श्री कृष्ण और हमारी पावन पावन बिल्कुल निर्मल ऐसी सरिता सी राधे की स्मृति हो आती है। और ऐसे लगता है कि जन्माष्टमी क्या आई, श्री राधे कृष्ण स्वयं हमारे सन्मुख आ गए। तो जन्माष्टमी आज हम सभी बड़ी धाम धूम से मनाते हैं, और कितना प्यार से हम सभी राधे कृष्ण को याद करते हैं, विशेष श्री कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का यह त्योहार है। अब श्री कृष्ण, उन्होंने ऐसा क्या किया जो आज 5,000 वर्ष बीत गए और आज भी 5,000 वर्ष के बाद उनके जन्मोत्सव को हम सभी ऐसे मनाते हैं जैसे अभी अभी हमारे नगर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ हो। ना ना, नगर में नहीं, लेकिन हमारे ही घर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हर घर के अंदर खुशियां हैं, हर घर के अंदर उसके जन्मोत्सव को मनाने की तैयारियां हैं, हर घर के अंदर श्री कृष्ण की स्मृति में शुद्धता है, हर घर के अंदर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने में दिव्यता दिखाई पड़ती है। हर एक अपने अच्छे गुणों को लेकर, दिव्य गुणों को लेकर, और बड़ी स्वच्छता से, बड़ी पवित्रता से उसके हर चीजों को, उनके पूजा की हर सामग्रियों को, उनके हर साधनों को बड़े प्यार से रखते हैं, सजाते हैं। और फिर झूला, बात मत पूछो, चाहे छोटा सा झूला हो और उस छोटे से झूले में कौन हो, बाल गोपाल, तो उसको भी नंद लाला कहके, जबकि वो लाला हमारा नहीं, नंद का है, परंतु नंद लाला भले कहते, परंतु झूला ऐसे सजाते जैसे अपने लाला के लिए कोई सजाता हो। कोई कैसे सजाता, कोई कैसे सजाता, हर एक के सजावट की अलग अलग क्रियाएं, प्रक्रियाएं और सुंदरता देखकर मन मोहित होता है। तो आखिर भी ऐसा श्री कृष्ण में क्या था जो श्री कृष्ण को आज भी 5,000 वर्ष के पश्चात भी इतना उनको प्यार से याद करते हैं? तो श्री कृष्ण प्रत्येक नर नारी के जीवन से ऐसे कैसे जुड़े हुए थे जो प्रत्येक नर नारी उन्हें बिना देखे, उन्हें बिना सुने, बिना उनकी दुनिया में होते इतना प्यार से मनाते हैं
जैसे श्री कृष्ण अभी उनके साथ में है, उनके पास है और उनके संग वो जैसे पूरी अपनी समय की लीलाएं वो कर रहे हैं। उनकी प्रत्येक चरित्र की लीला गाई जाती है और फिर महिमा देखो कितनी भारी, भाई संपूर्ण निर्विकारी, सोलह कला संपूर्ण, यानी कोई भी उसके अंदर कला न हो, कोई भी उसमें गुण न हो, ये जैसे कि हो ही नहीं सकता। और फिर संपूर्ण, हर बात में संपूर्ण, और यही कारण है कि श्रीमद् भगवद् गीता आज सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहलाती है, क्योंकि श्री कृष्ण को भगवान मानते, भगवान समझते, और इसीलिए श्रीमद् भगवद् गीता श्री कृष्ण उवाच यानी भगवानुवाच है ऐसा मानकर समझकर लोग बड़े प्यार से गीता को पढ़ते हैं, गीता का अध्ययन करते हैं, गीता सुनते हैं औरों को सुनाते हैं। तो श्री कृष्ण ने ये सारा ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? आप कहेंगे वो तो स्वयं भगवान थे, उनको तो किसी ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं थी, उन्होंने तो स्वयं सर्व को ज्ञान दिया निमित्त अर्जुन को बनाकर। परंतु प्रैक्टिकल में हम देखें तो गीता एक ऐसा विश्व के अंदर शास्त्र है जिसके ऊपर जो जैसी भी टिप्पणी करना चाहे, आलोचना करना चाहे, उसके विषय में अच्छी ऊंची सकारात्मक बातें लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण रूपेण सकारात्मकता का प्रतीक थे। हर प्रकार से श्री कृष्ण हर संबंधों में, सर्व संबंधों से सर्व को प्रिय थे, किसके मित्र थे, किसके सखा थे, किसके भाई थे, किसके माता पिता भी थे, किसके बच्चे, तो सभी के, मोस्टली बड़ी उम्र की माताएं वो तो उसको अपना लाला लल्ला लल्ला कह करके थकती नहीं। तो सर्व संबंधों से भी श्री कृष्ण कईयों के सर्व संबंधी थे, और यही एक शास्त्र ऐसा है जिसमें सर्व संबंधों की बातें जुड़ी हुई हैं। सर्व संबंधों में कैसे चला जाए, सर्व संबंधों के रहते कैसे न्यारे रहें, प्यारे बने, और सर्व संबंधों में स्नेह भी रखें परंतु नष्टो मोहा भी उनसे रहें। जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, सर्व समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद् गीता है। कोई भी परीक्षा या प्रसंग या समस्या या प्रश्न ऐसे नहीं मिलेंगे जिसके उत्तर श्रीमद् भगवद् गीता न दे, और हरेक को न्यायपूर्ण उत्तर मिलता है। जब भी कोई उदास हुआ, निराश हुआ, या हारा, पराजित हुआ, या अंदर में लघुता ग्रंथि आई, या फिर व्यर्थ विचार चले, व्यर्थ संकल्प चले, यदि वो गीता लेकर बैठ जाते, गीता को पढ़ते, गीता के उन राजों को सुनते, सोचते, समझते, तो जीवन से
हमेशा के लिए वो इन सभी नकारात्मकताओं को विदाई दे देते हैं। इतना पावरफुल भगवान के कथन। और भगवान जब किसी मनुष्य को बनाएगा तो जरूर अपने समान ही बनाएगा। श्री कृष्ण का जन्म इस लोक में हुआ, हमारा भी जन्म इस लोक में है। श्री कृष्ण की उम्र हमारी ही तरह धीरे धीरे बढ़ती गई, हमारी ही तरह, और बढ़ते 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 जन्म, जीवन और मृत्यु, आखिर मृत्यु को भी प्राप्त हुए। हाँ, इतना फर्क जरूर है कि उनकी मृत्यु और हमारी मृत्यु में फर्क ये होगा, वह निर्भय करने वाला और निर्भय बनाने वाला। तो स्वयं तो निर्भय ही होगा मौत से। हम मौत से भयभीत रहते हैं, परंतु जब श्रीमद् भगवद गीता सुनते हैं तो हम भी निर्भयता को प्राप्त करते हैं। एक निर्भयता की बात नहीं, लेकिन कई गुण हैं। जितने गुण हम श्री कृष्ण में देखते हैं, उन सभी गुणों का साक्षात्कार हमें इन बातों से हो जाता है। तो इस लोक में वह भी एक मनुष्य की तरह जन्मे, एक मनुष्य की तरह मृत्यु को प्राप्त हुए। हम भी मनुष्य जन्मे और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। उनका भी जीवन था, हमारा भी जीवन है। उनके भी माता पिता मामा सखा बंधु सब कोई थे। हमारे भी माता पिता मामा चाचा सखा बंधु सखी सब कोई है, परंतु उनके जो संबंध थे, उन संबंधों के अंदर जो भी बातें चली, जिसमें सत्य नीति भी थी, असत्य नीतियां भी थी, कूड़ कपट भी था और राजनीति भी थी, हर प्रकार की, हर कैटेगरी की, हर क्षेत्र की जो नीतियां जीवन के अंदर मनुष्य अपनाता है, उन नीतियों का वर्णन श्री कृष्ण के मुख द्वारा, यानी भगवान समझकर, भगवानुवाचक कहकर और उन नीतियों का वर्णन किया गया है। तो हरेक उसको पढ़ करके वैसी नीति को सीखते हैं, परंतु सीखते सीखते यदि उसके राज को चूकते हैं, वो नीति जो है जैसी है, जिस सुख और कल्याण या शुभ प्रवृत्ति के लिए नीति का प्रयोग किया जाता है, अगर वैसी धारण नहीं करते तो फिर वो बहुत अपना नुकसान कर बैठते, अपने मन के विचारों को मलिन कर बैठते। जैसे श्री कृष्ण को न समझने वालों ने, उसकी नीति को न समझने वालों ने, उसके चारित्र की ऊंचाई को न जानने वाले, न मानने वाले, न समझने वालों ने विविध कलंक उसके ऊपर लगा दिए, परंतु उससे कोई उसके व्यक्तित्व पर असर नहीं आता है। वह तो जो है जैसे है वैसे के वैसे ही थे। इसीलिए ये एक बात हमें जीवन के अंदर सीखनी अति आवश्यक है। हम अपना व्यक्तित्व जब सच्ची नीति पर बनाते हैं, जब सच्ची नीति और नैतिकता को लेकर नैतिक जीवन में चलते हैं, तो हमारे व्यक्तित्व के ऊपर किसी भी नकारात्मक या किसी भी प्रकार की गलत
गलतफहमियों की बातों का प्रभाव कभी नहीं पड़ सकता। इसीलिए हमें निश्चिंत रहना है, निश्चित रूप से प्रभु में विश्वास रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि श्री कृष्ण जो कि मनुष्य रूप में इस धरती पर माता पिता के द्वारा जन्मे, तो उसको भी ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाला उसका भी कोई आत्मा का पिता परमात्मा होगी, जो आत्मा नहीं परंतु परम आत्मा। क्योंकि परमात्मा जब अपनी चैतन्य चित्र को बनाएगा, परमात्मा जब अपने चैतन्य शिल्प को बनाएगा तो जरूर वो अपने जैसा बनाएगा। तो आज श्री कृष्ण को देखकर वो बाप की याद आती है, या यूं कहें कि कृष्ण और बाप दोनों के चरित्र एक जैसे लगते हैं, दोनों के गुणों में एकदम साम्यता दिखाई पड़ती है, दोनों समान दिखाई पड़ते हैं। यही कारण है कि उनके पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु को श्रीमद् भगवद गीता का भगवान कहने के बजाय उसका यह पवित्र बच्चा जो सर्वगुण संपन्न है उसका नाम धर दिया गया। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवानुवाच शब्द को श्री कृष्ण भगवानुवाच समझा गया। ये पतली भेद रेखा बाप और बच्चे के बीच की समझनी अति आवश्यक है। ये बड़ा गहरा गुह्य राज है जो जल्दी ये बुद्धि मानेगी नहीं, विवेक उस बात को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि जहां विवेक और श्रद्धा यानी दिल और दिमाग दोनों की बात आती है, वहां बुद्धि सदैव दिल को पराजित करने में ही लगी रहती है, तर्क वितर्क करती रहती है, ताकि उसके तर्क वितर्क के आगे दिल जो है वो शरणागति ले। परंतु दिल है कि मानता नहीं। यदि श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, तो हम अपने परमपिता परमात्मा को यथार्थ रूप से जानते हैं, मानते हैं, महसूस करते हैं। श्री कृष्ण को महसूस नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका जीवन चरित्र, उनका प्रत्येक कर्म, उनकी प्रत्येक क्रिया दृश्यमान है, जबकि पिता परमात्मा अदृश्य होते भी सभी को प्रिय है। वो दृश्यमान है और प्रिय है, ये अदृश्य है फिर भी सभी को अति प्रिय है। और जब जब दुख आता है तो उसको याद करते हैं। अब ऐसी ऊंची संतान परम आत्मा की श्री कृष्ण क्यों नहीं उसमें आकर्षण होगी, जबकि परमपिता परमात्मा में इतनी आकर्षण है। तो श्री कृष्ण जो कि उसकी प्रथम रचना, दिव्य रचना, दैवी रचना, तो उसमें क्यों नहीं इतनी अद्भुत आकर्षण होगी, जिस आकर्षण को हम समझ भी नहीं पाएंगे, बूझ भी नहीं पाएंगे, और अकथ्य होगी, अवर्णनीय होगी। उसका रूप भी अकथ्य अवर्णनीय। यही कारण है
कि प्रत्येक मनुष्य आत्मा गोप गोपी बनकर और उसको अपना आराध्य नहीं लेकिन अपना प्रेमी सखा मित्र ऐसा मानने लगे, तो वो भी आज शास्त्रों में वर्णित हो गए, उनका भी शास्त्रों में गायन हो गया। स्वाभाविक है, जो प्रभु को प्यारे होंगे वो फिर शास्त्रों को भी यानी शास्त्र लिखने वालों को भी प्यारे होंगे। तो सबसे प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण का आज जन्मोत्सव है, यानी प्रभु की प्रथम पावन 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 शुद्ध शुभ यह रचना देवता श्री कृष्ण, आज उसका जन्मोत्सव है। प्रभु भी खुश है कि मेरे बच्चे का आज इस लोक में साकारी दुनिया में वह भी इस जन्मोत्सव को देखकर पुष्प वर्षा कर रहे हैं अपनी इस पवित्र संतान पर। पवित्र नाता रचना और रचयिता का, तो ये सुंदर नाता हमें भी यही सिखलाता कि हम भी ऐसे ही रचयिता और रचना के सुंदर नाते को याद रखते हुए इस लोक के किसी भी देह के नातों में न फंसें। हम केवल एक परमपिता परमात्मा के नाते में रहें और उसमें हमारे सर्व संबंधों के नाते जोड़े। इसका मतलब हम अपने सर्व संबंधियों को छोड़ के प्रभु के मंदिर में जाके नहीं बैठेंगे, लेकिन बुद्धि से अब हृदय दिल मजबूर करता है बुद्धि को। बुद्धि ने अपना काम किया उसके ऊपर विजय प्राप्त करने का, परंतु अब दिल उसके ऊपर प्रभावित उसको प्रभावित करके और बुद्धि को अपनी शरण में लेकर और एक बल एक भरोसे पर उसको रहना सिखाता है, क्योंकि दिल महसूस करता है, दिल को ये एहसास है कि श्री कृष्ण जो कि प्यारा है न्यारा है मनोहर है आकर्षण मूरत है, वह प्रैक्टिकल में प्रभु के हृदय पर आसीन है, पूरे विश्व की हर मनुष्य आत्मा के दिल पर बैठा हुआ है। तो बुद्धि भी अब उनको साथ दे रही है कि हाँ श्री कृष्ण के समान सर्वोत्तम सर्वोच्च ऊंचे ते ऊंची कोई हस्ती नहीं इस जगत के अंदर, और ऊंचे ते ऊंची शिक्षा सबसे ऊंचे ते ऊंची शिक्षा श्री कृष्ण के पास है। जिस शिक्षा को प्राप्त कर जिस शिक्षा पर चलकर यानी परम आत्मा की संतान होने के नाते उसकी जो प्रैक्टिकल कर्मों की शिक्षा है वो उसने जीवन में कर्म करके सार्थक करके दिखाई। बस यही कारण है इन दोनों के बीच के अंतर को हम कभी समझ नहीं पाए। यहां भी गलत फहमी हो गई, परंतु अब परमपिता परमात्मा
हम बच्चों को स्वयं इस सृष्टि पर आकर और इन इस भेद को, इस अंतर को महसूस कराते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि इतने में आपका हृदय इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, बुद्धि भी आपकी संतुष्ट नहीं होगी, वो तर्क वितर्क करेगी और दिल भी कहेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा और कृष्ण दोनों अलग हस्तियां हैं। परंतु जब हम दोनों की महिमा को सुनेंगे, दोनों के कार्य कर्तव्य को महसूस करेंगे, दोनों के पूर्ण परिचय से परिचित होंगे, तब हमें समझ में आएगा कि कृष्ण कौन, वो श्री क्यों कहलाए और श्री को बनाने वाला श्री श्री कौन, जिसने उसको आप समान बनाया। और इसीलिए, क्योंकि प्रभु हमें अति प्रिय है, इसीलिए उसकी यह प्रथम रचना श्री कृष्ण भी हमें अति प्रिय है। तो आज हम अपने प्रियते प्रिय सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्म मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। बस उसको झूले में झुलाएंगे, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएंगे, जैसे जन्म के बाद बच्चे को अच्छी तरह नहलाना, उसको स्वच्छ करना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, उसको श्रृंगारों से सजाना, फिर उसको झूले में झुलाना, आहा, ये भी एक अतिंद्रिय सुख का ही अनुभव है, परंतु अल्पकालीन। यदि सदैव ये बात याद रहे तो सदा अतिंद्रिय सुख के झूलों में हम भी झूलेंगे। सिर्फ श्री कृष्ण नहीं झूलेगा, लेकिन हम भी सदा सुख के, शांति के, आनंद के, प्रेम के झूले में झूलेंगे। तो आप सर्व को श्री कृष्ण जन्मोत्सव की खूब खूब शत शत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, और खूब अच्छी तरह से धाम धूम से उसको मनाओ। मनाओ मना अपने जीवन के अंदर उसके हर गुणों को धारण करने के लिए। अपने मन को मनाओ, अपनी बुद्धि को मनाओ, अपनी कर्मेंद्रियों को मनाओ। ये सब जब मान जाएंगे तो हम भी अपने इष्ट और आराध्य के समान बन जाएंगे। जब समान बने तो उसके साथ हम रास कर सकेंगे। तो इसीलिए हमें स्वयं को ऐसा बनाने के लिए प्रभु को जैसे हम प्रेम से याद करते हैं, श्री कृष्ण को भी आज हम खूब प्रेम से याद करेंगे और श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। अच्छा, ओम शांति।